एक ऐसा डी आई वाई जो आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज करेगा, आपके बालों से काफ़ी सारे प्रॉब्लम जैसे कि हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, या फिर डैमेज हो चुके हैं बाल कलर करवाने से, केयर ना करने से, तो ये सारी प्रॉब्लम आपके बालों से ठीक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यूटी में यूज करेंगे। तो आप मेरे बालों की हालत देख सकते हैं, मैं बाहर घूमने आई हूँ तो इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रेगुलर वीडियोज़ भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज का डी आई वाई बड़ा कमाल कर सकता है आपके बालों में, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप बार बार कोई शैम्पू चेंज करते हैं, आप कोई कंडीशनर चेंज करते हैं, इससे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और फिर बहुत बार क्या होता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश करें वो ठीक नहीं हो पाते हैं उतने फास्ट तरीके से। तो चलिए फिर हम आज का जो डी आई वाई है उसको बनाना शुरू कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिया है कॉफ़ी पाउडर, कोई भी कॉफ़ी पाउडर आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर लिया है जो आपके बालों में शाइन देगा। अगर आपको हेयर फॉल है, मेजर हेयर फॉल है, बीमारी की वजह से, पीसीओडी, थायराइड किसी भी वजह से है, तो आपके हेयर फॉल को ठीक करने में वो आपकी मदद कर सकता है कॉफ़ी पाउडर। उसके बाद मैंने 5 या 6 ड्रॉप डाली हैं लेमन। लेमन इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी डैंड्रफ आ चुका है और मैं जब भी कोई रेमेडी लगाती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं लेमन की 5-6 बूंदे ज़रूर डालती हूँ। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा पानी। ओके, तो आपको थोड़ा सा पानी करना है, डाइल्यूट करना है, और ये आपका एक मिश्रण, एक पैक, एक सीरम बन के तैयार है जो आपके बालों को पूरे तरीके से पोषण देगा, आपके बालों की जड़ों को स्ट्रोंग बनेगा। अगर आप इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, जैसे बार बार कमेंट करते हैं कि एक ही बार में कोई रेमेडी काम करती है, ये रेमेडी आपके हेयरफॉल को इंस्टेंटली मतलब तुरंत के तुरंत कंट्रोल कर सकती है। बड़े अच्छे से अपने बालों पर इसकी मसाज देनी है। बालों में ऑयल लगा हुआ है तो भी इसकी मसाज दे सकते हैं, नहीं लगा हुआ है तो भी आप इसकी मसाज दे सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से, अगर आपके बाल लेंथ पे से डैमेज हैं तो इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी और बढ़ा दीजिएगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना के स्प्रे बॉटल में भर के आप अपने पूरी हेयर लेंथ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा DIY है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देने वाला है। मैं वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, जब घर आऊँगी तो आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरा आपका जो DIY है वो आपके बालों में अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। आप जुड़ा बना के रख लेंगे पूरी रात भर के लिए, आपको इसे नहीं रखना है, आप इसको केवल 1 घंटे के लिए अपने बालों पर लगा रहने देंगे और उसके बाद आपको अपने बालों में शैम्पू कर देना है। ओके, शैम्पू जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश, आज के टाइम पे ना मार्केट में बहुत सारे शैम्पू आ चुके हैं, नए नए शैम्पू आ चुके हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे राई शैम्पू आ चुका है, ओनियन शैम्पू आ चुका है, और हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास DIY करने का टाइम नहीं है तो हम ये शैम्पू वगैरह उठा के ले आते हैं और ये जो DIY काम करता है ये हमारे बालों में वही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ उनके अंदर केमिकल भी होते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि या तो घर पे शैम्पू बनाएं, इस चैनल पे आपको घर का शैम्पू की वीडियो मिल जाएंगी, या फिर कोई एक ही शैम्पू चूज करें, हर्बल शैम्पू, और आप उसका ही यूज करें। बार बार शैम्पू चेंज मत कीजिएगा, इससे बाल इतने डैमेज हो सकते हैं कि वो फिर काबू में नहीं आएंगे। तो शैम्पू आप देख सकते हैं बालों में शैम्पू करते करते भी कितनी शाइन है, मतलब इतनी अमेजिंग शाइन आएगी बालों में, आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। तो 1 घंटा रखने के बाद मैंने अपने बालों में शैम्पू कर दिया था, उसके बाद नेचुरल तरीके से आपको अपने बालों को सुखा लेना है। मेरे बाल सूख चुके हैं, आधे बाल पीछे हैं और आधे बाल किए हुए मैंने आगे की तरफ, ये देख सकते हैं आप, शाइन है और हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ है, हल्के हल्के गीले हैं। मैं अपने बालों में कॉम कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो इंस्टेंटली अगर आप अपने हेयर फॉल को या फिर बालों से काफ़ी सारे जैसे डैंड्रफ, गर्मी है, ऑयल आ जाता है, इचिनेस आ जाती है, खुजली मस्ती है, तो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस DIY को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल से ईजी से DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं लगाती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, वीक में आप इसको 2 बार तो एटलीस्ट जरूर लगाइएगा, रात में लगा के नहीं सो सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको इसे यूज करना है और फिर शैम्पू के साथ आपको अपने बालों को वॉश कर देना है। आई होप सांस चढ़ गए हैं क्योंकि ले में है ना, सांस चढ़ जाते हैं जल्दी सी। तो आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रहें, बाय।